टेस्टी फूड रेसिपी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बार फिर नई रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, आलू का पराठा। बट ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। रेगुलर आलू का पराठा अगर आप खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस पराठे को ट्राई करना तो बनता है। क्रिस्पी पराठा है, बहुत ही अच्छा लगता है। बट डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए ये कैसे ले सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। आलू पराठा डायबिटीज़ में तो अलाउ हम नहीं करते हैं, बट आप वेजिटेबल पराठा ले सकते हैं ऑलिव ऑयल के साथ में। फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तब आप इसको ऑलिव ऑयल के साथ इंजॉय करिए, घी का पराठा मत बनाइएगा। तो सबसे पहले हमने आलू को बॉईल कर लिया है। करीबन यहाँ पे हमने लगभग 800 ग्राम से, आप इसको 1 kg तक आलू को बॉईल कर लें। फिर दूसरी साइड हमने क्या किया, यहाँ पे आटा लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने आटे में नमक डाला है, जितना भी आटा आपको लगाना है उसके अकॉर्डिंग से इसमें मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आप हल्दी डाल सकते हैं, आपकी येलो चिली पाउडर या रेड जो भी यूज़ करते हैं वो ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी हींग ऐड करिए। यहाँ पे हम काला नमक ऐड कर रहे हैं, काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही अब हम यहाँ पे इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। इससे आपके पराठों में थोड़ी लचक बनी रहती है, सॉफ्टनेस भी अच्छी रहती है। यहाँ पे और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, क्योंकि स्टफिंग के साथ साथ आउटर पार्ट भी तो आपका टेस्टी होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। ये कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, फिर इसके बाद में आटे को लगा लीजिए, या फिर कह सकते हैं गूंथ लीजिए या निडिंग कर लीजिए। तो आटा आपका एक बार तैयार हो जाएगा तो लगभग उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया था तो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आटा हमने एक साइड लगा दिया है, दूसरी साइड आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब इस तरह से आपको आलू बॉयल करने हैं कि बहुत ज़्यादा ये गल ना जाए। अब इसको हमने पील आउट कर लिया है, इसको मैश कर लीजिए अच्छे से। इसी बीच में हमने यहाँ पे ग्रीन अनियंस लिए हैं, जिसका नीचे वाला पार्ट हमने निकाल दिया। आप चाहें तो ग्रीन अनियंस का नीचे वाला पार्ट भी ले सकते हैं। तो इसको आल भी कहते हैं, हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आल नहीं मिलती है तो लहसुन की आल जो आती है वो भी आप ले सकते हैं। लगभग आपको 200 से 250 ग्राम तक आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। मैश कर लीजिए पोटैटोज़ को, हाथ से मैश कर सकते हैं हाथ से कर लीजिए, नहीं तो मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लीजिए। जब आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तब आप इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 बड़ी प्याज ली हैं जो कि बारीक चॉप कर लिए हमने। आप अगर आल वाले प्याज ले रहे हैं तो आप इस प्याज को कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्याज बहुत अच्छी लगती है, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर ऐड करें। इस तरह से कुछ मसाले, जैसे कि आप यहाँ पे ऐड करेंगे चिली पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हींग और इसके साथ ही चाट मसाला। ये बेसिक मसाले हैं जो आपको ऐड करने हैं। आप चाहे तो अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर नहीं ऐड किया है। हींग ज़रूर ऐड करें ताकि आपका डाइजेशन इससे बेहतर रहे। पराठे बहुत हैवी होते हैं इसलिए डाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए आपको इसमें थोड़े से स्टफिंग में हींग ऐड कर सकते हैं, अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अजवाइन नहीं ऐड की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हमने इसमें जो चॉप किया हुआ ग्रीन अनियंस है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैश करने से ना ये स्लगी हो जाते हैं, और आप चाह सक हो सकते हैं मान सकते हैं कि ये मॉइस्चर रिलीज़ करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे कम ऐड करना है। अभी हमने सॉल्ट लास्ट में ऐड करना है, हमने थोड़ा सा ही काला नमक इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है, अब ये बैटर में हम जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा काला नमक भी ज़रूर ऐड करें, उससे टेस्ट बेहतर हो जाता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अगेन इसको मिक्स करेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि नमक ऐड करने के बाद में कोई भी चीज़ में थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज होने लगता है, इसलिए आप सॉल्ट को लास्ट में ऐड किया करें। अभी ब्लैक सॉल्ट भी हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं इस पर, ये टाटा का ब्लैक सॉल्ट है। और आपको लगता है कि आपका मिक्सचर जो है थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, भुना हुआ बेसन आप इसमें स्ट्रेन करके थोड़ा सा अच्छे से छान के इसमें डाल लीजिए। भुने हुए बेसन से कच्चेपन की हीक भी नहीं आती है और इस तरह से जो आपका मिक्सचर है वो सॉफ्ट भी हो जाता है और आपके पराठे फटने से बच जाते हैं।
तो यहाँ पे जो आटा मैंने बताया आपको, ये मेरे लगभग 30 मिनट से ज़्यादा इसको रखे हुए हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसके पराठे बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और पराठे को थोड़ा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मक्के का या फिर चावल का आटा थोड़ा सा मिक्स ज़रूर करें, उससे पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स किया था, लगभग 1 टेबल स्पून के अराउंड, ज़्यादा नहीं किया था। अब इस तरह से हम इसको नंबर 8 में कन्वर्ट कर देंगे, और 8 के अबव वाली साइड या लोअर साइड आप इसमें आपकी फिलिंग को अच्छे से फिल कर देंगे। फिलिंग को ध्यान से फिल करना है, क्योंकि फिलिंग ज़्यादा हो जाती है तो पराठे फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझसे तो बहुत परफेक्ट शेप नहीं आती है पराठे की, क्योंकि मम्मा ही जनरली बनाती है चपाती है पराठे इस टाइप की चीज़ें, पर पराठे का स्टफिंग की वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि निकल ना जाए, इसलिए मैंने बहुत ध्यान से बनाया है। थोड़ा सा शेप बिगड़ा है, बट शेप से क्या मैटर करता है, टेस्ट मैटर करता है। ये मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों से। इस तरह से मैं ऑलिव ऑयल से इसको सेक लेती हूँ दोनों साइड से, इसी तरह से आपको पराठे सेक लेना है। बाकी पराठे भी आप इसी तरह से सेक लेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस टेस्टी फूड रेसिपी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ पे दूसरा पराठा भी इसी तरह से हमने तैयार कर लिया। देखिए पराठा बिना फटे तैयार हो रहे, बस साइड से जो आपकी फिलिंग है वो थोड़ी सी ओपन हो गई इसलिए निकल रही है, बट इट्स ओके, फटे नहीं है। फटे होने से पराठे का मज़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि आलू निकल जाते हैं। तो इस तरह से क्रिस्पी पराठा बन के तैयार है। इंजॉय कीजिए इसको चटनी के साथ में, कोई गेस्ट आए तो इसको आप ब्रेकफास्ट में बनाइए। एकदम टेस्टी पराठा तैयार है, कलर लाइट की वजह से थोड़ा सा चेंज है, तो इन्जॉय कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।